यूपी में इस समय पंचायत चुनाव जोर शोर से चल रहे हैं। प्रत्याशी अपनी जीत के लिए सभी जतन करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में रायबरेली में भी पंचायत चुनावों का मतदान 15 अप्रैल को होना है, जिससे आज प्रत्याशियों के प्रचार का आखिरी दिन है। जिले के महाराजगंज तहसील के ज्योना गांव में आज उस समय अफरा तफरी मच गई, जब प्रधान प्रत्याशी के चुनाव में लगे कार्यकर्ताओं के लिए भोजन बन रहा था और अचानक से सिलेंडर के पाइप में आग पकड़ ली और सिलेंडर फट गया, जिससे मौके पर ही 4 लोग झुलस गए। ग्रामीणों ने उन्हें इलाज के लिए CHC महाराजगंज पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार जिले के महाराजगंज तहसील के ज्योना गांव में आज उसमें अफरा तफरी मच गई, जब प्रधान पद के प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं के लिए भोजन बन रहा था, तभी अचानक सिलेंडर के पाइप में आग पकड़ ली। जब तक कोई कुछ समझ पाता, आग सिलेंडर तक पहुंच गई और वो फट गया, जिससे भोजन बना रहे राजाराम, रामकुमार, राजेंद्र और दिनेश झुलस गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने चारों को इलाज के लिए CHC महाराजगंज पहुंचाया, जहां उनकी गंभीर हालत देख चिकित्सक ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल सभी का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। SK इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट।